बेटा चल जल्दी से तैयार हो जा, अब मुझसे ये दर्द सहा नहीं जाता। ठीक है बाबा। क्या ये क्या बात हुई? मतलब आप इतनी सी छोटी सी बात पे मतलब इसको घर ले जाओगे आप अपने साथ? पापा कैसी बात करो यार, मुझे इससे जुदा करोगे आप? मेरे बच्चे कौन पालेगा पापा यहाँ पे? मैं किसको यहाँ पे? इनकी मम्मी दूसरी लानी पड़ेगी। मतलब कहाँ मैं इनको बच्चों को कैसे मैनेज करूंगा मैं? कैसे पापा घर ले जाने की कौन बात कर रहा है? अरे चुप हो जाओ। पापा ना मुझे अपने साथ डॉक्टर के यहाँ लेके जाने के लिए बोल रहे हैं। डॉक्टर मुझे डॉक्टर को स्टोन का दर्द रहता है, सहन नहीं हो रहा है उनसे अब। क्या बोलते हो तुम कुछ भी? पापा आपको स्टोन है? पथरी का दर्द है, पथरी का। इस चीज की दवाई मुझसे अच्छी तो कोई जानता भी नहीं है, इसे कहाँ लेके जा रहे थे आप अपने साथ? सच में? अच्छा दवाई है आपके पास? आप ना 15 दिन लगातार लोगे ना पापा, आप ना भर भर के पथरिया बाहर निकाल लेंगे, सारी पथरिया फिर चाहे ट्रॉली में भर के बेच लेना। कहाँ से लाओगे बस? अरे अपने बराबर में ठेका है ना यही पे पापा, अभी बियर लेके आता हूँ मैं। हाँ बैठो मैं लेके आता हूँ। हाँ बैठो। देख रहे पापा? रुको जरा, सबर करो। हाँ दामाद जी थोड़ी चिल्ड लाना। क्या बोल रहे हो पापा? ठंडी से जल्दी आराम होगा, मुझे बताया था एक डॉक्टर ने वैसे। कल जब जिम से वापस आ रहा था ना तो एक बाबा टाइप आदमी सामने आया, अचानक बोलता है ला बेटा निकाल 500 रुपए, तेरी किस्मत चमकने वाली है। अच्छा। पता क्या कहता? कि किसी करोड़पति बाप की बेटी से तेरी शादी होने वाली है और तेरी किस्मत एकदम राजा वाली। अच्छा। तुमने क्या कहा? मैंने कहा ज्योतिष बाबा मेरी शादी ऑलरेडी बहुत साल पहले हो चुकी है भाई, मेरी बहुत सुंदर बीवी है और मेरे दो प्यारे प्यारे बच्चे हैं बाबा जी, कहाँ आप कुछ भी बताओ। यार आजकल ज्योतिष के नाम पे कोई कुछ भी बता देता है। चलो बंदे ने पैसे मांग लिए थे तो 150 रुपए दे ही देते दिए। अरे हाँ ऐसे पाखंडियों को ऐसे फरेबियों को तो मैं एक कोड़ी ना दूं, 50 रुपए की 100 रुपए की तो बात ही छोड़ो। पर फिर पता क्या हुआ, अचानक से जैसे मैं पलट के चला उसने मेरा कस के हाथ पकड़ लिया भाई साहब। इतनी हिम्मत उसकी, हाथ ही पकड़ लिया तुम्हारा? मैंने कहा क्या क्या कर रहे हो बाबा जी ये? बोलता कि बेटा मुझे पता है कि तेरी शादी हो चुकी है बहुत साल पहले, लेकिन लड़की के बाप ने सारी प्रॉपर्टी दबा के बैठा हुआ है, 1 भी रुपया तुझे अब तक नहीं दिया। क्या ऐसा बोला उसने? फिर दिए तो नहीं तुमने उसे 50 रुपए? मेरे पास कैश नहीं था, फिर मैंने उसे 1000 रुपए पेटीएम किए। 1000 रुपए? प्रॉपर्टी निकालने का तरीका आज शाम को बुलाया उसने, बताया। ये पहली बैंक देखी मैंने जिसमें एसी तक नहीं है। सर जी बैंक में पैसे जमा हो जाएंगे? और ना तो इस बैंक में खून जमा करेगा तू। अजय नहीं सर, वैसे देखियो ये मेरी बीबी है। यार मैनेजर को दिखा लो, मेरे पास पैसे नहीं है। ये रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं अम्मा आराम से लाइन में आओ। अल्लाह चेक करिए मेरे खाते में पेंशन आ गई। सॉरी अम्मा मैं खाते चेक नहीं करता हूँ। खाते चेक नहीं और बैंक में पेट्रोल भर रही तू? अरे चार नंबर टेबल पर खाते चेक होते हैं अम्मा। अब बहुत बढ़िया, तुझसे हो नहीं रहा है, चार नंबर टेबल पर जादूगर बैठा। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ लिया अम्मा, मैं कैशियर हूँ, पैसे देता हूँ मैं लोगो को। अच्छा तेरे पास 500 के 2 है? एक मुझे दे दे। अरे तुम निकल गए तैयार अम्मा, मैं तुमसे कुछ कह नहीं सकता बुढ़ापे। हमें पता है बुढ़िया सबकी आंखों में खटक। चलो हेलो बैंक का सिक्योरिटी गार्ड है। हाँ, क्या हुआ? और सखा दियो सो है ना, मैंने 1000 रुपए जमा करा, कहीं चोरी हो जाए। अरे इनके घरों में डकैती क्यों नहीं पड़ रही है, ये 500 रुपए जमा कराए क्यों रहे बैंक में?